हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बनी आलू की फूली फूली गरम गरम खस्ता कचौरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया था, और जैसे हम नॉर्मल रोटी या चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने ये आटा अभी तैयार किया है। आटा लिया मैंने और उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और बस मैंने ये आटा लगा के बिल्कुल इस तरीके का ये तैयार कर दिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आटा जब आप लगा रहे हैं तो आप उसमें मोयन भी डाल सकते हैं, घी का या रिफाइंड ऑयल का। तो फ्रेंड्स, कचौड़ियों के लिए हमारा आटा तैयार है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं, और अब हम कचौड़ियों में भरने वाली स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए ये मैंने थोड़े से आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, और अब इनको हाथ से ही मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अगर आप हाथ से अच्छे से मैश ना कर पाते हो तो आप मैशर की सहायता भी ले सकते हैं, या उन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही हाथ से फोड़ लेती हूँ और अच्छे से फोड़ लेती हूँ। और जब बीच में छोटे छोटे चंक आते हैं ना आलू के, तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्च पाउडर। और ये मैं डाल रही हूँ अब इसमें धनिया पाउडर। ये देखिए, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ी सी हींग। हींग डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये डाइजेस्ट इजीली हो जाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है हींग काफ़ी। तो और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटा हरा धनिया और ये कटी हुई हरी मिर्चें, और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू की स्टफिंग हमारी अब तैयार हो चुकी है। तो अब चलिए हम कचौड़ी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, कचौड़ी बनाने के लिए मैंने आटे में से इस तरीके के ये पेड़े बना लिए हैं, या लोइयां आप जो भी बोलते हैं। और अब मैं कचौड़ी बनाना शुरू कर रही हूँ इनसे। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने थोड़े से चकले बेलन पे ऑयल लगा लिया, उसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा बेलूंगी, और अब इसमें जो हमने अपनी स्टफिंग तैयार करी थी आलू की, वो मैं इसमें फिल कर दूंगी इस तरीके से। और अब हम इसको ऐसे ऊपर उठाते हुए इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। इसको आप अच्छे से बंद करिए, वरना ये खुल सकती है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे हाथ से फैला दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको और बढ़ाऊंगी। ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से हमें इसको रोल करना है, और हमें इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस इतना हम रखेंगे इसको। और अब हम इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। ये ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। ये सरसों का तेल है, आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप इसको सरसों के तेल में बनाते हैं तो आपको इसका टेस्ट और बढ़ा हुआ मिलेगा, और सरसों का तेल हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आप जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं या कचौड़ियाँ बनाते हैं तो आप सरसों का तेल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसको गर्म कर लिया था मैंने अच्छे धुआं आने तक, और जब ये हल्का थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। और देखिए हमारी ये कचौड़ी कैसे फूल फूल के तैयार हो चुकी है। हम इसको ऐसे साइड से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल डालेंगे। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फूली फूली बेहतरीन कचौड़ी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में,
और मैं अब जो बाकी की कचौड़ियाँ हैं उनको भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी ये कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, कितनी एकदम क्रिस्पी आलू से भरी हुई। अब ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैंने तोड़ कर नहीं दिखा पा रही हूँ, वरना मैं आपको दिखाती कि कितनी अच्छी ये भरी हुई कचौड़ियाँ तैयार हुई हैं हमारी। इसे मैं रायते के साथ सर्व कर रही हूँ, ये बूंदी का रायता है तड़के वाला। ये आलू टमाटर की सब्जी है और ये कुछ सलाद है, खीरा है, और ये फ्रेंड्स मेरे घर का बना हुआ गाजर मूली का और मिर्च का अचार है, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इंजॉय कीजिए ये गर्मा गर्म फूली हुई क्रिस्पी खस्ता कचौरियाँ, हेल्दी कचौरियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।